नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिल नाकरानी। आप सभी लोगों का प्रोग्रेस क्लब की यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास इसीलिए है क्योंकि आज मैं एक ऐसे बादशाह के साथ मिलवाना चाहता हूं कि जिन्होंने 850 से ज्यादा अधिक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बदलाव करके उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है। एक ऐसे बादशाह कि जिन्होंने अपने बलबुद्धे पर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की जिनका नाम है वेलग्रीन पिलो, कि जो प्रोग्रेस क्लब में आज चीफ असिस्टेंट मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वेलकम करूंगा जयदीप भाई सोजित्रा को। हेलो जयदीप भाई, कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। क्या बात है। तो सबसे पहले तो मैं जयदीप भाई को वेलकम करूंगा कि वो अपना कीमती टाइम निकालकर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कैसे वो आज काम कर रहे हैं प्रोग्रेस क्लब के अंदर और कैसे 850 से ज़्यादा अधिक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में वो बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जयदीप भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले जयदीप भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दर्शक है तो उनको आप पहला अपना इंट्रोडक्शन और अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जयदीप सोजित्रा और मेरी कंपनी का नाम है वेलग्रीन पिलो एक्सप्रेस, जिसके अंदर हम पिलो और बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रोग्रेस ग्रुप का सपोर्ट से हम आज ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर दो कंट्री के अंदर पिलो एक्सपोर्ट करते हैं और यह कंपनी हमने 2017 में स्टार्ट किया था। थैंक यू जयदीप भाई कि आपने अपना और अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया। जयदीप भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई सारे स्टार्टअप होते हैं, कई सारे उद्योग साहसिक होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैं नया उद्योग स्टार्ट करूँ, नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो उनको कई बार चैलेंजेस आती है कि वहाँ से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपके बिजनेस से, जब भी आपने बताया कि 2017 से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको भी ऐसे कोई चैलेंज आई थी? अगर आई थी तो आपने कैसे उनका सॉल्यूशन किया, तो उनके बारे में दर्शक मित्रों को बताइए। हमने जब भी नई कंपनी स्टार्ट किया तभी बहुत सारी चैलेंजेस आया। उसमें बात करूँ तो प्रोडक्शन में, क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट टाइम ही था कि हम पिलो के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें। मतलब आप इससे पहले आपने कभी पिलो मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं? हाँ, कभी वो मेरा एजुकेशन तो आपको पता ही है। जी पता है, बिल्कुल। तो मेरे इंग्लिश को उसको पिलो बोलते हो, मैंने पहली बार शब्द सुना था किसको पिलो बोलते हैं। हमारे गुजराती में उसको ओसी का बोलते हैं। जी बिल्कुल, राइट, 100%। तो आपको भी पता होगा कि उसके नॉलेज में हमको जीरो पता था। जी। और उसका कैसे प्रोडक्शन किया जाए, उसका कैसे मशीन का सेटअप किया जाए, उसका कैसा पैकेजिंग होए, जी हमको कुछ भी पता नहीं था। जी। और मैंने मेरा प्रोग्रेस का लीडर का सपोर्ट लिया। जी। उसने मुझे पर्सनली कोचिंग दिया कि उसको ऐसा करो, इसका उसका ऐसा करो। जी। और हमने धीमे धीमे करके वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया। क्या बात है। एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि जयदीप भाई मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी जो मतलब बोलते हैं ना गिनती, वो गिनती बहुत परफेक्ट है। और उन्होंने जैसे आप अभी उन्होंने बताया कि मतलब कोई नॉलेज नहीं है, पिलो भी पहली बार सुना है, फिर भी कंपनियां 10 करोड़ से अधिक रुपए का टर्नओवर करती है। तो दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, बराबर, वो कोई मैटर ही नहीं करता। और एजुकेशन लेना भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जयदीप भाई से सीखने जैसा है। ये सर, कंटिन्यू करिए। ओके, और दूसरी बात करो को इतनी मुश्किल ही मार्केट में घुसना है, नई कंपनी है तो मार्केट में कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो अभी हमें कोई इतनी बड़ी चैलेंजेस आई, तो उसमें भी मुझे मेरा लीडर ने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि भाई उसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे कोचिंग दिया। जी। तो मैं आपको फर्स्ट से बात करता हूँ। जी। कि जब भी मैं शोरूम में या दुकान में जाता था कि हम ये पिलो बनाते और इसको आप लो ऐसा, जी, तो वो लोग ना बोलते थे, कहा ऐसा रीजन देते थे कि आपका रेट ज़्यादा, हमारे पास स्टॉक पड़ा। जी। तो मैं मेरा कोच को शेयर करता था और मुझे वो कोच मुझे वो प्रैक्टिस कराता था कि कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं। जी। और वो धीमे धीमे वो मैं सीखा, उसके आगे मैं बोलूँ तो बड़ा कॉरपोरेट में मैं कैसे घुस सकूँ। जी। आज बड़ा बड़ा जो मॉल है, डी मार्ट है, नेशनल हैंडलूम है, जी, बिग बाजार है, उसमें मैं कैसे जाऊँ, मेरा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे दूँ और उसके साथ काम कैसे स्टार्ट करूँ। जी। तो वो भी मुझे मेरा कोच से सपोर्ट से वो मुझे सीखना मिला। क्या बात। और मैं उसमें भी आगे ब्रेक थ्रू कोर्स किया। बहुत ही बढ़िया। डी मार्ट जैसा, नेशनल हैंडलूम जैसा मॉल के अंदर हमें मेरा पिलो हम सप्लाई करते हैं। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, एक्सेलेंट। और आज भी मुझे इंग्लिश पढ़नी या बोलनी नहीं आती है तो भी आज हम दो कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं। क्या और बात। वो भी मैं उसको बोलता हूँ कि वो सही जाता है मेरा लीडर का, प्रोग्रेस का लीडर का। क्या बहुत ही बढ़िया। उसने मुझे ऐसा सुना, उसने मुझे ऐसा कोचिंग दिया। जी। कि आज मैं जो आम आदमी नहीं कर पाते हैं, जो लोग
पढ़े लिखे नहीं कर पाते हो, आज मैं कर पाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर लोगों को देखा है कि आज बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं फिर भी यहाँ जॉब ढूंढने में रह जाते हैं और कुछ नया स्टार्टअप भी नहीं करते। और जैसे कि जयदीप भाई ने बताया कि वह दो कंट्री के साथ काम कर रहे हैं विथआउट एजुकेशन, तो वो लोग ये सोच ही नहीं पाते। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपने ये बात बताई, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो जयदीप भाई, आपने ये स्टार्टअप के बारे में बताया, अपने फेलियर के बारे में बताया, और आपने ये बताया कि कैसे हम लोगों ने डील की थी प्रोग्रेस क्लब के सपोर्ट लेकर, और कैसे हम लोगों ने ये कंपनी का स्टार्टअप किया। तो जयदीप भाई, आपने बहुत ही बढ़िया कहा, और साथ ही साथ आपने जो चैलेंज अपने बिजनेस के अंदर, अपने स्ट्रगल टाइम के अंदर सही थी, आपने जो चैलेंज फेस की थी, उनमें से आपने क्या सीखा और आप क्या शेयर करना चाहते हो कि जिससे सामने वाले अगर बिजनेसमैन है तो वो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नया कर पाए। अगर आपके पास प्रोग्रेस क्लब जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका कोच बनाइए। वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका स्टाफ हो सकता है, या तो आपका फ्रेंड हो सकता है। कोच इसलिए ज़रूर है कि आज मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि मेरे पास हनुमान जी से ऐसी शक्ति होती है, 100% तो उसको दिखाने वाला कोई चाहिए नहीं होता, और वो है कोच। आज मेरे पास कितनी शक्ति था वो मुझे 3 साल पहले नहीं पता थी, पर जब भी मेरा कोच मेरे साथ था तभी मेरे को पता थी कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरी बात, मेरा कोच मुझे हमेशा कहता है कि दुनिया के अंदर जब भी डिफरेंस होता है कि तुम एक्शन लो, एक्शन छोड़ दोगे तो ये दुनिया के अंदर, तुम्हारा बिजनेस के अंदर, तुम्हारा फैमिली के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप एक्शन लेना मत छोड़िए, कोई भी चैलेंजेस आई, कोई भी फेलियर आए, कोई भी कस्टमर कुछ भी बोल दे, पर आप कुछ नई तरीके से, कुछ नई इलाके, कुछ नई इनोवेशन करके एक्शन लेना चालू रखिए। आपने एकदम परफेक्ट बात की कि लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, एक जगह पर आके स्टैग्नेट हो जाते हैं। मतलब कि अगर कस्टमर ने मना बोल दिया, या फिर बिजनेस में कोई दिक्कत आए, या फिर फाइनेंस प्रॉब्लम आए, तो वहाँ से वो स्टॉप हो जाते एकदम कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, बराबर। तो उनके लिए आपने एकदम बराबर कहा कि एक कोच होना चाहिए। हमारे अंदर ताकत भी इतनी है लेकिन हम कर नहीं सकते। अगर कोई बंदा दिखाने वाला है कि भाई ये मुझे दिखाएगा कि नहीं भाई तेरे अंदर इतनी ताकत है, तो हम 100% कर सकते हैं। यस जयदीप भाई, आपने सबसे पहले एक वाक्य कहा था कि जिसके पास प्रोग्रेस क्लब नहीं है तो उनको एक कोच बनाना चाहिए, राइट? ओके, तो मैं प्रोग्रेस क्लब के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रोग्रेस क्लब है तो आपके बिजनेस में क्या संभव हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ओके, अगर उसका मैं लिस्ट बनाने जाऊँ तो ऐसे भी शाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। पर प्रोग्रेस क्लब से जो मेरे को मिला वो उसका क्या कहते हैं ना कि उसका कुछ शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, तो भी मैं 4-5 चीज बोल देता हूँ कि प्रोग्रेस क्लब से मुझे क्या क्या बिजनेस के अंदर फायदा मिला। जी जी, प्रोग्रेस क्लब में बिजनेस के अंदर बात करो तो हमने ये बिजनेस जब भी स्टार्ट किया, मैं तब से प्रोग्रेस क्लब का मेंबर बना था 2017 से। जी, तो मैं मार्केट में कैसे कस्टमर के साथ बात करूं, उसके बाद आगे आगे जाते मुझे वो भी चैलेंज आई कि पेमेंट का आउटस्टैंडिंग बढ़ता जाता था, मुझे वो कोच का सपोर्ट से वो एडवांस पेमेंट कैसे मैं लूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो मुझे सपोर्ट मिला। जी, कि मेरा वेबसाइट कैसा होना चाहिए, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वेलग्रीन का मार्केट के अंदर लिसनिंग कैसा होना चाहिए, जी वो सब मुझे मिलते गया, और मैं ये सब चैलेंजेस से बाहर निकलते जाए। आज मैं बात करूँ तो मेरा बिजनेस को आज मैं ज्यादा में ज्यादा आधा घंटा ही टाइम देता हूँ। क्या बात, बाकी ऐसे ऑटोमोर पे चल रहा, सेल बढ़ते जाता है, स्टाफ का काम करते हैं, डिलीवरी टाइम टू टाइम जा रही है, सर्विस टाइम टू टाइम जा रही है। आज मैं प्रोग्रेस क्लब की बात करूँ तो प्रोग्रेस क्लब से मुझे कितना मिला ना, उसका कुछ मेरे पास लिखा चुका कुछ भी नहीं है, और मैं आज लिखने के लिए जाऊँगा तो उसका वो लिख भी नहीं पाऊंगा कि कितना मुझे मिला। क्या बात, अगर आपने प्रश्न पूछ दिया तो मैं 4-5 जवाब आपको दे ही देता हूँ। 100% के प्रोग्रेस क्लब में मेरा बिजनेस मैंने 2017 में जब स्टार्ट किया तब से मैं प्रोग्रेस क्लब का मेंबर बना था। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं मार्केट के अंदर मैं कैसे अंदर जा पाऊँ, मैं मेरा प्रोडक्ट कैसे सेल कर पाऊँ, वो मैंने प्रोग्रेस क्लब से सीखा है। जी, और वो सीखते सीखते एक बार ऐसा भी हो गया था कि उधारी भी ज़्यादा हो गई थी और फाइनेंशियली स्ट्रगल भी आया था। बिल्कुल, तो प्रोग्रेस क्लब से वो भी सीखा कि आज एडवांस पेमेंट से काम कैसे करें। क्या बात, आज ज़्यादातर लोगों को वही चैलेंज होती है कि आज उधारी बढ़ जाती है। हाँ, और उसकी इम्पैक्ट पड़ती है फाइनेंस मैनेजमेंट में, बहुत 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 वही है। आज हमको जीरो चैलेंजेस है। जी, आज हमको किसी का ऑर्डर आता है तो उसके साथ उसका पेमेंट भी आ जाता है,
यानी सब एडवांस पेमेंट में काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट। और दूसरी बात करूँ तो ज्यादातर लोगों को वो भी चैलेंजेस होती है कि स्टाफ को कैसे मैनेज करें, स्टाफ कैसे काम करें, होता है। तो आज हमारे लिए वो जीरो चैलेंजेस है। आज पूरा ऑटो मोड पे चलता है। आज स्टाफ आता है, उसका काम करता है, जो उसको सर्विस देना है वो सर्विस देता है जी। और मुझे वो बताते हुए खुशी होती है कि आज मेरा बिजनेस में मैं ओनली फॉर 30 या 60 मिनट ही टाइम देता हूँ। क्या बात है। और तो भी सेल भी बढ़ रहा है, कस्टमर को सर्विस भी मिल रहा है, क्या बात, और प्रॉफिट भी हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आप मतलब आधा घंटा से ज्यादा 1 घंटा देते हो आप अपने बिजनेस में, राइट। क्या बात है, फिर भी आपका बिजनेस एकदम ऑटो मोड पे चल रहा है, राइट। तो ये मतलब सारा पॉसिबल हो प्रोग्रेस क्लब की मदद से। और बाकी का टाइम जो मुझे करना है वो उसमें मैं देता हूँ। क्या बात, कभी मेरा कोई ऐसा होता है मूवी देखना है जी, कभी ऐसी एक्टिविटी भी करता हूँ कि सुबह अकेले मैं सुवाली बीच पे जाता हूँ। क्या बात है। और उधर 2 घंटा अकेले बैठता हूँ, मनोरंजन करता हूँ। क्या बात। और बहुत बार हमने मैं ऐसा भी करता हूँ कि अकेले लॉन्ग ड्राइव पे चले जाता हूँ जी, और किधर वो पहाड़ी पे जाके वो उधर बैठ के मैं मेरे खुद को मैं टाइम देता हूँ। ऐसा वैसे भी एक्टिविटी करने के लिए मेरे पास अभी टाइम है। टाइम है, पहले आपके पास ये टाइम नहीं था, संभव नहीं था। हाँ, अभी आप इतना फ्री टाइम निकाल पा रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जयदीप भाई ने जैसा बोला कि खाली घूमने जाते हैं, तो ये अपना बड़प्पन है कि वो बताते नहीं, लेकिन आज वो मतलब एक चीफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ कि जो भी प्रोग्रेस क्लब मेंबर्स है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी 2021 में आज अधिक 850 से ज़्यादा बिजनेस में जुड़े हुए हैं और आगे धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। तो जयदीप भाई का ये मेन काम है इन सारे लोगों के बिजनेस के अंदर देखना कि भाई उनको कहाँ पे चैलेंजेस आ रही है, उनको जहाँ पर चैलेंजेस आ रही है उनका सॉल्यूशन देने का कामकाज भी जयदीप भाई का है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि एक अकेला बंदा कितनी मतलब जगह पे कितनी अलग अलग बिजनेस के अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो मैं उसके लिए भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक इन्विटेशन देता हूँ, एक बार आप प्रोग्रेस क्लब के अंदर आइए और देखिए आपके लिए क्या संभव है जी। आपके लिए प्रोग्रेस क्लब क्या कर पाएगा आपका बिजनेस के अंदर, आपका फैमिली के अंदर और आपके पर्सनल लाइफ के अंदर जी। तो आप सब एक बार प्रोग्रेस क्लब में आके देखिए कि आपके लिए क्या संभव है। और मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट पे वर्क नहीं होता। हाँ दोस्तों, कई बार ये होता है कि MLM कंपनी जैसी कंपनी होती है तो कहीं लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो ये मेंबर बनाने का कामकाज है, लोगों को इकट्ठा करने का कामकाज नहीं, लोगों के माइंड में ये आता है जनरली, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। आज जयदीप भाई 850 ज़्यादा मेंबर के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन की भावना से काम कर रहे हैं, ना कि वो पेमेंट लेकर काम कर रहे हैं। तो ये भी महत्व की चीज़ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रोग्रेस क्लब में जब भी मीटिंग होती है तो उसका जो भी खर्चा होता है वो आपको देना पड़ता है, पर क्योंकि वो आपके ऊपर है, मतलब जो मेंबर बन रहा है उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको हम प्रॉफिट कमाए या फिर प्रॉफिट कोई घर पे ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी जिन्होंने बताया कि प्रोग्रेस क्लब ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो खुद प्रॉफिट करे, पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि प्रोग्रेस क्लब ऐसी संस्था है जो आपका सेल्स को डबल कर दे, आपका प्रॉफिट को डबल कर दे और आपके साथ जुड़े हुए लोग जिसके साथ का आपका रिलेशनशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल के लेके जाए। तो प्लीज़ मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार आप प्रोग्रेस क्लब के अंदर आए और आप देखिए कि प्रोग्रेस क्लब के अंदर आपके लाइफ के अंदर आप क्या अचीव कर पाए। थैंक यू जयदीप भाई कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हो और लोगों के साथ आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो थैंक यू वेरी मच दर्शक मित्रों कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा और आपने भी ये सोचा कि मैं भी अपने लाइफ में क्या संभव कर सकता हूँ। और दोस्तों अगर आप प्रोग्रेस क्लब के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करें और वहाँ से आपको गूगल फॉर्म की लिंक खुलेगी और आप वहाँ पे अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और आपका नाम डाल दीजिए और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो वो भी आप क्लिक करके आप रजिस्टर करवा दीजिए ताकि हमारे मेंबर आपको कॉन्टैक्ट कर सके और आपको कॉन्टैक्ट करके हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग की जो 15 दिन के अंतराल में होती है तो वहाँ पे आपको इन्विटेशन दे सके और आप एक बार आइए, देखिए कि आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए क्या संभव हो सकता है। और दोस्तों आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपको सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए कि जो अपने लाइफ में और जो अपने बिजनेस में एक नया और अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो हम
उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का काम भी कर पाए। और दोस्तों, अभी तक आपने प्रोग्रेस क्लब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जहां पर आपको आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में अगर आप क्या कर सकते हो कि जिससे आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी लाइफ में 100% हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे और आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस के अंदर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच।